राजधानी के चोमू कस्बे में आरएलपी कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विधायक व पूर्व विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन पर प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिन लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े गए हैं वे पात्र व्यक्ति हैं, लेकिन विधायक के चहेतों के नाम नहीं जुड़ने के चलते विधायक दबाव बनाकर इसे गलत साबित करने पर तुले हैं। आरएलपी कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर प्रदर्शन करने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के समर्थन में तहसीलदार सीमा खेतान को ज्ञापन भी सौंपा। विरोध प्रदर्शन को दरकिनार करते हुए गलत काम करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कराने में कोई कमी नहीं छोड़ने की बात कही। द्वारा किया गया प्रदर्शन इस बात को इंगित करता है कि वो कार्यक्रम अधिकारियों के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। नेताजी कह रहे हैं कि हमारे को 800 कुछ खाद्य सुरक्षा में जो जिनका नाम है उनकी सूची हमें मिली है, तो वो सूची उन्हीं अधिकारियों ने उपलब्ध कराई है कि जिन अधिकारियों ने चौमू की बेशकीमती जमीन को खुर्दबुर्द करने का काम किया है। और मैं इस तरीके के प्रदर्शन की कभी परवाह नहीं करता। आने वाले समय में अधिकारियों ने जो गलती की है, बेशकीमती जमीनों को खुर्दबुर्द करने का काम किया है और गलत करते क्या है उसको छिपाने का आप कितने ही प्रयास करो, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। ये लोगों के खाद्य सुरक्षा में जो नाम जोड़े गए हैं उन नामों की सूची मैंने वहां से कार्यालय से निकलवाई है। उस सूची के आधार पर मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि विधायक द्वारा जो आरोप लगाए गए अधिकारियों के ऊपर वो कहीं ना कहीं निराधार का